36 जिल्हे 36 बातम्या न्यूज G9 महाराष्ट्र उत्तर तुमच्या प्रश्नांचे। आज दिनांक 16 एप्रिल 2024 रोजी दुपारी 12 वाजता भारत आघाडीचे उमेदवार डॉक्टर कल्याण काळे यांची केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या मतदारसंघात जालना जिल्ह्यातील वालसांगवी गावामध्ये सभा झाली। आम्ही या लोकसभा निवडणुकीमध्ये विकासाचा अजेंडा घेऊन आलो आहोत। यावेळी भोकरदन रेणुकामाई पिंपळगाव धावडा वालसांगवी जाळीचा देव या गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। महागठबंधन की ओर से जो मुझे जालना लोकसभा की उम्मीदवारी दी गई, सबसे पहले मैं हमारे सब आलाकमान और हमारे जो नेता है उनसे उनका सबका धन्यवाद देता हूं उन सबको, और सबसे पहले सारे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि आने वाले 13 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें महागठबंधन जो है हमारा इंडिया महागठबंधन, वो उम्मीदवार बोल के मैं डॉक्टर कल्याण काळे निशानी पन जाए, उसको चुन के दिया जाए, ये सबसे पहले मैं आप सब आपके जरिए उनसे विनती करूँगा। आपका एजेंडा क्या है लोकसभा? हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा है, हमारा एजेंडा सेकुलर लोगों के साथ लेके चलने का एजेंडा है, सारे धर्म के लोग सारे जाति के लोग हमारे साथ में आना चाहिए एजेंडा है, और डेवलपमेंट के एजेंडे से ही आज तक कांग्रेस और महागठबंधन चुनाव लड़े हैं। आज तक कभी हमने इस तरीके से चुनाव नहीं लड़े कि जो जाति जाति में बंटवारा करे, जात धर्म में फसाद पैदा करे, कभी हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ाए, कभी मराठा ओबीसी के साथ लड़ाए, कभी दलित और सुवर्णों को लड़ाए, ये काम कभी कांग्रेस और कांग्रेस के कल्चर में नहीं रहा, हमारे गठबंधन में वो काम नहीं रहा। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना हमारे लिए दी उसके तहत हमारा देश हमारा राज्य चलना चाहिए, यह हमारा एजेंडा। न्यूज G9 महाराष्ट्र साठी प्रतिनिधी मुस्तफा खान पठाण जालना।